सो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लाऊं बहुत ही जबरदस्त एडिटिंग का ट्यूटोरियल जो कि इंस्टाग्राम लिस्ट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और अपनी फोन की स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग अपनी फोन की स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग ऐसी वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आप लोगों को ये वाली वीडियो ध्यान से देखनी है। अच्छी वीडियो एडिट करने के लिए आप लोगों को 3 फोटो की जरूरत पड़ेगी। 3 फोटो की मदद से आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और गाइस आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये वाली वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को 2 ऐप की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोगों को डाउनलोड भी कर लेना है और इंस्टॉल कर आ जाना है अपनी फोन की स्क्रीन पर। और गाइस आप लोगों को सबसे पहले सिक्योर वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। गाइस आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन कर सर्च कर लेना है कैप का टेम्पलेट IDFWU, इस पर क्लिक कर लेना है सर्च कर। और गाइस आप लोगों की जो फोन की स्क्रीन पर जो भी इंटरफेस आ रहा है सबसे पहली वाली साइट क्लिक कर लेना है। और गाइस आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल कर लेना है एंड नीचे स्क्रॉल कर आप लोगों को सबसे पहले सिक्योर वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। एंड कनेक्ट कर मैंने तो कर लिया है, अपने यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट पर क्लिक कर लेना है और ये ऑटोमेटिकली कैपकट के अंदर ले जाएगा। ये देखो मेरा आ चुका है। एंड यूज टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है और गाइस अपने 3 फोटो ले लेने हैं, कोई से भी आप जो भी अच्छे लगे आपको, जैसे कि मैंने 3 फोटो ले लिया है। और गाइस ये लोडिंग फैक्ट यानी कि थोड़ा टाइम लेगा, वेट कर लेना है। और गाइस ये ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो को कैपकट के अंदर ले आएगा और ये देखो अपनी वीडियो कैसी बनी है प्ले कर दिखा रहा हूं मैं। ये देखो कुछ ऐसी ही मेरी वीडियो है। साउंड भी लगा सकते हो आप, बाद में एडिट कर दिखाऊंगा साउंड कैसे लगा सकते हैं। ये देखो मेरी वीडियो बन चुकी है। और गाइस आप सोच रहे हो कैपकट वॉटरमार्क आ रहा है, इसको कैसे हटाएं? तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है एंड एक्सपोर्ट विदाउट वॉटरमार्क पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ से आप गाइस अपनी रेजुलेशन भी बढ़ा सकते हो अपनी वीडियो की। ये देखो 2K 4K में मैंने रेजुलेशन कर दिया क्वालिटी एंड डन पे क्लिक कर देना है एंड एक्सपोर्ट विदाउट वॉटरमार्क पे क्लिक कर लेना है और ये एक्सपोर्टिंग हो जाएगी अपनी वीडियो ऑटोमेटिकली। ये देखो ये चल चुकी है परसेंट और ये थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगी, इसलिए वेट कर लेना है। और गाइज मेरा कंप्लीट हो चुका है ये देखो। और गाइज आप लोगों को डन पे कॉर्नर पे डन का ऑप्शन सारा होगा, इस पे क्लिक कर लेना है। और गाइज मेरी वीडियो बन चुकी है। और गाइज आप दिखाते हैं हम कैसे साउंड लगाना है। और गाइज आप लोगों को VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड प्लस पर क्लिक कर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है और अपनी वो वाली वीडियो ले लेनी है जो उनसे आपने एक्सपोर्ट की थी और एरो पे क्लिक कर लेना है और अपना वो वाला साउंड ले लेना है जो उनसे आप लोगों को लगाना है। म्यूजिक पे क्लिक कर म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है एंड माई म्यूजिक पे जाकर एंड यहाँ से यूज पे क्लिक कर अपना ऑडियो ले लेना है और ये इस पर क्लिक कर देना है। एंड आप लोगों की जो कि वीडियो है इस पर एक क्लिक वन क्लिक कर अपनी ऑडियो जो है साउंड है उसकी आवाज़ को कम कर देना है, जैसे कि मैंने 0% कर दिया है और ये इस पर क्लिक कर देते हैं और अपनी वीडियो बन चुकी है ये देखो। और गाइज आप दिखाते हैं अपना फाइनल।